आज का पहला सवाल है अमान का, वो पूछते हैं व्हाट इज अमेज़न वेब सर्विस, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स टू लर्न AWS, यानी कि अमेज़न वेब सर्विस या AWS क्या है और उसको सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए। अमान, AWS या अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो बेसिकली अमेज़न के क्लाउड सर्विसेज का प्रोडक्ट नेम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज का प्रोडक्ट नेम एज्यूर है, वैसे ही अमेज़न के क्लाउड सर्विसेज का प्रोडक्ट नेम जो है वो AWS है या अमेज़न वेब सर्विसेज है। ये दुनिया के तीन मुख्य क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स में माना जाता है। नंबर एक ऑफ कोर्स जैसे आपने देखा AWS, उसके अलावा एज्यूर जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया, उसके अलावा गूगल के भी क्लाउड सर्विसेज होते हैं जिनको कि ज़्यादातर लोग GCP बोलते हैं, यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैंने क्लाउड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। चलिए अब अमेज़न के बारे में बात करते हैं। अमेज़न भी बाकी क्लाउड सर्विसेज की तरह ही तीन मुख्य तरह की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या IaaS, यानी कि यहाँ पर आप जो है क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पूरा जो डिप्लॉयमेंट है, पूरे जो अपने सर्वर्स हैं वो सारे आप क्लाउड में यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज के क्लाउड में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS या अमेज़न वेब सर्विसेज के IaaS सर्विसेज के थ्रू। दूसरी सर्विस जो है अमेज़न की, दैट इज PaaS या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पर कि अमेज़न जो है वो एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है ऑलरेडी जो बंडल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उनकी, जैसे कि आप अमेज़न में RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप मैनेज डेटाबेस जो RDBMS मैनेज डेटाबेस जो है वो अमेज़न में खरीद सकते हैं, या NoSQL के मैनेज डेटाबेस खरीद सकते हैं। जो सर्विसेज का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अमेज़न की सर्विसेज यूज़ नहीं करता, लेकिन आई थिंक अमेज़न RDBMS या RDMS कुछ इस तरीके का है जिसमें कि आपको रिलेशनल डेटाबेस की सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि MySQL, SQL सर्वर या आपका PostgreSQL, ये सारे जो डेटाबेसेज हैं ये मैनेज्ड के तौर पर यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि इनको मैनेज करने का सारा काम जो है वो अमेज़न करता है। आपको बस वहां पर जाकर के डेटाबेस खरीदना होता है कि आप वहां पर एक डेटाबेस का सर्वर ले लीजिए या दो डेटाबेस का सर्वर ले लीजिए और फिर आप उसमें डेटाबेस बनाइए, उसको स्केल अप स्केल डाउन या उसके परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का सारा काम जो है वो अमेज़न करता है, उनके रेगुलर OS अपग्रेड या जो बाकी जो भी चीज़ें हैं सर्वर मेंटेनेंस का, वो सारा काम जो है वो अमेज़न करता है। आपको बस वहां पर जाकर के डेटाबेस सर्वर खरीदना है। सो दैट इज़ बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसी तरह अगर आप किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी आपका अमेज़न की एक सर्विस है जिसको शायद बीनस्टॉक सर्विस कहते हैं, जो कि बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज या किसी भी फ्रेमवर्क के जो सपोर्टेड फ्रेमवर्क्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक .NET सपोर्टेड है, PHP सपोर्टेड है, उसके अलावा आई थिंक जावा भी सपोर्टेड है। सो जो मेजर जो सपोर्टेड फ्रेमवर्क्स हैं उन सपोर्टेड फ्रेमवर्क्स की वेबसाइट्स आप डायरेक्टली बीनस्टॉक पे जाकर के होस्ट कर सकते हैं और उसके जो होस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग के तरह ही होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं ऑफकोर्स क्योंकि क्लाउड है और अमेज़न है, ब्रांड नेम है इस वजह से, लेकिन बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना वेब सर्वर नहीं खरीदना, आपको अपनी मतलब जो अपना सर्वर मेंटेन नहीं करना, नेटवर्क मेंटेन नहीं करना, आपको सीधे वहां पर जाकर के अपनी एक वेबसाइट खरीदनी है, बीनस्टॉक की वेबसाइट खरीदनी है और उस पर जो सपोर्टेड फ्रेमवर्क है उसके वेबसाइट को कोड को डिप्लॉय कर देना है और आपको रन करना है। सो दैट इज बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जैसे आपको मैंने बताया बीनस्टॉक जो है वो वेबसाइट्स के लिए है, डेटाबेसेस के लिए जैसे मैंने बताया कि अमेज़न RDBMS करके सर्विस है, NoSQL डेटाबेसेस के लिए भी इसी तरह की कोई सर्विस है। तीसरी सर्विस जो अमेज़न प्रोवाइड करता है AWS में, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आइडली तो इन सारी चीज़ों को जो हम ये सारी चीज़ें क्लाउड में प्रोवाइड करते हैं इसको भी हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही कहेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम और ज़्यादा माइन्यूटली जाएं तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम उस सर्विसेज को कहते हैं जो कि जहां पर कि हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि अमेज़न का S3 स्टोरेज,
सो S3 स्टोरेज क्या है, वो एक बेसिकली एक स्टोरेज सर्विस है। आप वहाँ पर डायरेक्टली भी अपने फाइल्स वगैरह जो है वो ले जाकर के स्टोर कर सकते हैं, अपने API के थ्रू वहाँ पर फाइल्स स्टोर कर सकते हैं और उन फाइल्स को फिर एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, नेटवर्क स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। सो नेटवर्क स्टोरेज जैसी कोई सर्विस जो होगी वो ये सर्विस जो है ये भी आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे ईमेलिंग सर्विस हो गया या ईमेल सर्वर जो हो गया वो तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आ जाएगा। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ब्रॉडर टर्म्स में तो हम कहेंगे कि ये सारा जो AWS का सिस्टम ही है दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेकिन प्राइमरली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अगर हम माइन्यूटली टर्म्स में बोलें तो ऐसी सर्विसेज को बोलेंगे जो कि हमें सिंपल एक सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मिलती है, जैसे कि S3 स्टोरेज। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट पे, सवाल के दूसरे पार्ट पे कि इनको सीखने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, इनको सीखने के लिए प्रीरिक्विजिट्स वही हैं जो कि आपको किसी भी कंप्यूटर सर्विस के या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि आपको इन चीज़ों के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं IaaS की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करूँ, तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को यूज़ करना है तो उनको यूज़ करने के लिए आपको ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अगर आपको लोकली ये सारा काम करना आता है तो आप बड़े इजीली Amazon की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप वर्चुअली क्लाउड में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। सेम केस जो है वो डिप्लॉयमेंट के साथ भी है कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई डेटाबेस कैसे बनाते हैं या डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके कैसे डेटाबेस को यूज करते हैं तो आप ये सारा काम AWS पर भी कर सकते हैं। आपको उसके लिए जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना होता है। सो प्रीरिक्विजिट जो है वो ये है कि जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं Amazon का, उस सर्विस का जो मेन डोमेन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात अगर हम करें तो आपको लोकल में भी आपको पता होना चाहिए कि VMs क्या होते हैं, हम कैसे VMs बनाते हैं, VMs में नेटवर्किंग कैसे करते हैं। बस Amazon पे ये सारा कुछ करने के लिए Amazon का थोड़ा बहुत जो सिंटेक्स या कमांड्स होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे जो कि उसके डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेंगे। इसके अलावा और कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि Amazon वेब सर्विसेज से रिलेटेड या Amazon वेब सर्विसेज को मैनेज करने के लिए आपको जॉब चाहिए तो उस जॉब के लिए आपको प्रॉपर कोई कोर्स करना पड़ेगा। सो और उस कोर्स का कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है ऑफकोर्स। उस कोर्स के लिए ऑफकोर्स आपको जो इंस्टीट्यूट है वो ही बेहतर जानकारी दे पाएंगे और वो आपको उस कोर्स में सब कुछ सिखाएंगे कि Amazon वेब सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ऑफकोर्स Amazon के सर्टिफिकेशंस भी हैं, आई थिंक एसोसिएट, Amazon एसोसिएट करके कुछ है, Amazon आर्किटेक्ट करके भी सर्टिफिकेट है। सो ये सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि सर्टिफिकेशंस जो है वो आप खुद से मत कीजिए, वो आप तभी कीजिए जब आपको कंपनी उस चीज़ को स्पॉन्सर करे। सो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करने के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। खुद से आप अगर Amazon वेब सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेन प्रीरिक्विजिट यही होगा कि जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उस सर्विस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले से पता इन द सेंस कि जिस तरह की भी सर्विस है आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्विस कैसी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बीनस्टॉक का। अब बीनस्टॉक के कंपेरिजन में अगर मैं बोलूँ तो एज्यूर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एज्यूर में ऐप सर्विसेज हैं, ऐप सर्विसेज भी आपका इसी तरह का है जहाँ पर कि आप मैनेज पैस है, बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है जहाँ पर कि आप वेबसाइट्स अपने होस्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप अभी देखेंगे तो डिजिटल ओशन में भी एक इसी तरह की सर्विस यूज की है, आई थिंक उसको ऐप्स करके, आई थिंक डिजिटल ओशन ऐप्स करके कुछ सर्विस है, एग्जैक्ट नाम मैं भूल गया क्या है, लेकिन रिसेंटली अभी शायद साल भर पहले ही डिजिटल ओशन ने वो सर्विस स्टार्ट की है। सो इस तरह के जो मैनेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो आपको आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पर। और अगर आपको ये पता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके बड़े आराम से ये सारा काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।